ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਔਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀਤੂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜਨਮੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਆ ਹੋਆ, ਕਹਾਂ ਰਹਤੇ ਹੋ? ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਮੈਂ, ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਹੋਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਤੇ ਸੁਗਵਾਲਡ ਸੇ ਆਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਸੇ 4 ਦਿਨ ਇਨਕੋ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿਆ ਕਿ ਇਸਕੋ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ। ہمارا نام رامبتی ہے اور میں باہر رہنے والی ہوں۔ جھاری مزدور کر کے کھاتا غریب بندہ، اس کو میرے بیٹے کو چھوڑ کے گئی تھی۔ میرے جمائے نے اس کو بہت مارا کوٹا اور اس کو جب بچہ ہوئی تھی اس ہاسپٹل سے لا کے بیرہ میں ڈال دیا تھا۔ उसके खातिर इसके बच्चे खत्म हो गए और इसको भी टाके में लात मारी। 4 दिन की थी, 4 दिन था बच्चा था। हाँ, फिर आज क्या हुआ? आज हाँ, आज कोर्ट में आई, हम जज साहब ने बुलाई थी उसको गवाही देने इसको, और इंदरपाल और रीना ने कराई है सारे काम हमारे दामाई को शिकायत शिकायत। पुलिस वालों ने कुछ आपसे बयान दाई ना? पुलिस वाले ने, हाँ हमने बयान दाई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। हाँ हाँ जी, फिर पुलिस वाले ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, नहीं गौर करी। हम गरीब बंदे, हम बताओ क्या करे, इतने परेशान है। हाँ, फिर इसको इसके गौर न करें। क्या बोला आज? जब सब ने बोला गवाही दो आके कोर्ट में आके गवाही दो ना। हाँ, क्या आप मांग क्या करते हो? हम मांग कर, हमें इंसाफ चाहिए, इसके लिए इंसाफ चाहिए। हाँ, और जो जो जिन्होंने इसके काम करवाई उसको पकड़ना चाहिए। वो उसको क्यों छोड़ के गई है, छोड़ दिए देंगे? जो मुजदरी असली मुजरी उसको पकड़ लिया, जिसके मुझे उसके बोली नहीं है। 3 जन को जान को खतरा है, और कल को कुछ भी हो जाए फिर उसके जिम्मेदार कौन लेंगे? पूरे के बीमार ने टाके में मारी है फिर। हाँ, हॉस्पिटल से आई अभी जी। ओ, ये नाम है जलंधर हॉस्पिटल, सिमर हॉस्पिटल से आई जी। एक फ्लोर का मामला है, 4 दिन के नवजात बच्चे की मृत्यु का, क्या है ये सारा? ये हमारे पास
28 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक संगीता नाम की लड़की ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका हस्बैंड जो है उसको तंग कर रहा है और उसके जीजा जीतू को बोल रहा है कि उसकी शादी जो मेरी सिस्टर संगीता की सिस्टर के साथ करवा दी जाए, नहीं तो वो उसको और उसके छोटा बच्चा जो कि 4-5 दिन का ही है उसको तंग करेगा। और जब इस बात के लिए उन्होंने मना किया तो उसने उनको दोनों को, उसको और उसके 4 दिन के बच्चे को, सारा दिन रात में ठंड में रखा और जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई, जिसका हमने 345 नंबर FIR 304-323 में थाना फ्लोर में दर्ज की। और मानयोग्य अदालत में जब हमने उनको पेश किया तो उन्होंने कहा कि विद द कंसेंट ऑफ द मदर, आप बच्चे को जो उन्होंने दफना दिया था उसका पोस्टमार्टम अगर वो चाहते हैं तो उस करवाया जाए और कॉज ऑफ डेथ जो है बच्चे की पता की जाए, जो हमने आज उसका कंसेंट कोर्ट में करवा दिया, कल हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे जिससे पता चल सकेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई। आरोपी जो है, जो उसका पिता है, उसको पकड़ लिया है जाके? अभी तक वो काबू नहीं आया है, दौड़ा हुआ है, उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। तो कोई मामला जो दर्ज किया है किस धारा में दर्ज किया? 304-323 में। ठीक है।